हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने कल टॉपिक शुरू किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसमें हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इट मींस जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने काफी सारी बातें पढ़ी थी कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती हैं, कौन सी वर्ब प्लूरल होती हैं। एक तो हमने ये बात पढ़ी थी, इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जिस भी वर्ब के साथ में एस लगा होता है, ईएस लगा होता है, वो सब वर्ब्स सिंगुलर होती हैं। नाउन से उल्टा रूल होता है इसके अंदर, और जिन वर्ब में एस नहीं होता, ईएस नहीं होता, वो प्लूरल होती है। आई एक अपवाद है जो सिंगुलर होते हुए भी जनरली प्लूरल वर्ब लेता है, वो मैंने आपको सब पढ़ा दिया था। फिर हम अलग अलग नाउन्स के बारे में कल बात कर रहे थे। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं, उनमें एस और एस लगा होता है, बट वाकई में वो सिंगुलर होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूज, वेजेस, सब्जेक्ट्स के नाम, कुछ डिजीज बीमारियों के नाम, कुछ गेम्स के नाम, और देश के और कुछ बुक्स के, इनके नाम के बारे में बात कर रहे थे, और उससे काफी सारे एग्जांपल्स पढ़े थे। फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, सॉरी दिखने में सिंगुलर होते हैं, उनमें एस और एस नहीं लगा होता, लेकिन वाकई में वो प्लूरल होते हैं, जैसे कि पीपल, पुलिस, कैटल, लाइव स्टॉक, वर्मिन, अपने पीजेंट्री, जेंट्री, ठीक है ना, इस तरह के भी हमने नाउन्स पढ़े थे। फिर हमने कलेक्टिव नाउन्स की बात की थी। कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, अगर यूनिट के रूप में है तो सिंगुलर लेंगे, और अगर वो बटे हुए हैं, अलग अलग मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो डिवाइडेड है, तो फिर उनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये बात भी हमने कल की थी। फिर हमने पढ़ा था कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें एस और एस लगाकर प्लूरल बनाना गलत होता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनमें न तो एस और एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं और न उनके साथ ए और एन का यूज करते हैं। वो कौन से नाउन होते हैं, उसमें मैंने पढ़ा था, एक पूरी लिस्ट बताई थी आपको मैंने, एजुकेशन, रिसर्च, होमवर्क, वोकैबुलरी, और फिर बहुत सारे वर्ड पढ़े थे, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, गार्बेज, लगेज, बैगेज, बहुत सारे नाउन्स पढ़े थे। उसकी एक मैंने शानदार आपको ट्रिक दी थी, उन सारे वर्ड्स को आप एक झटके में याद कर सकते थे। फिर हमने बात की थी लास्ट में कि कुछ ऐसे वो जोड़े वाले कुछ नाउन्स होते हैं, समेशन नाउन्स कहते हैं जिनको हम लोग, पेयर में आते हैं, वो इक्वल इनसेपरेबल पार्ट्स के कुछ पेयर होते हैं, उनके बारे में भी हमने बात की थी। जैसे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ उसमें गारमेंट्स होते हैं, पैंट्स, जीन्स, टूल्स की बात करें तो सीजर्स, क्लीपर्स, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, इन सब में बारे में बात की थी। और लास्ट में एक रूल और पढ़ा था हम लोगों ने कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट सिंगुलर के लिए भी आता है, एयरक्राफ्ट प्लूरल के लिए भी आता है, शीप, डियर, ऑफस्प्रिंग सिंगुलर के लिए भी आते हैं, प्लूरल के लिए भी आते हैं, ऐसे सीरीज, स्पीसीज, हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, बैरक्स, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आते हैं। डजन, थाउजेंड, हंड्रेड, चाइनीज, जापानीज, सिंगुलर, प्लूरल दोनों के लिए आते हैं। ये जो कल हमने 2-3 घंटे में बात करी उसको हमने 2-3 मिनट में पूरा रिवाइज भी कर लिया है। तो इस तरह से अगर हमारा पहले पढ़ा हुआ होता है, ध्यान से पढ़ रखा होता है, तो उसके लिए रिवाइज करने में आपको करना चाहिए और ज्यादा समय नहीं लगता है। ये सब बात हमने कल पढ़ ली थी, कल हमने 6 रूल पढ़ लिए थे। आज हम लोग रूल नंबर 7 पे बात करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज हम लोग रूल नंबर 7 पे बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही जुड़ा हुआ एक बात है जो हमें पढ़ लेनी चाहिए, और इसमें नाउन्स के बारे में भी एक अच्छी बात है। कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके जब प्लूरल बनाने होते हैं ना, तो कैसे प्लूरल बनाए उसकी थोड़ी दिक्कत आती है। ये एक्चुअली वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डायरेक्ट तो नहीं है, बट हाँ ये बेसिक जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आ सकती है। कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स,
अब पहली बात, कंपाउंड नाउंस क्या होते हैं? कंपाउंड नाउंस दोस्तों वे नाउंस हैं, कंपाउंड नाउंस वे नाउंस हैं जिनमें ना दो या दो से अधिक नाउंस मिलते हैं और फिर वो पूरा एक नाउन का काम करता है। दो या दो से अधिक नाउन मिलेंगे और पूरा एक नाउन का काम करेगा। इन कंपाउंड नाउंस में दो या दो से अधिक नाउंस होते हैं। अब इनका प्लूरल बनाना हो तो दो नाउन है तो किस नाउन का प्लूरल बनाओगे, किस नाउन का प्लूरल बनाओगे? तो इसमें फिर अब दो तीन बातें अलग अलग, मैं आपको इन शॉर्ट एक एक एग्जांपल देख करके बात बता देता हूं। जैसे कुछ ऐसे नाउन है, जैसे मान लीजिए कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ सपोज ये एक नाउन है, इसमें कमांडर भी नाउन है चीफ भी नाउन है। कमांडर इन चीफ दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है और बीच में ना प्रपोजिशन है इन, ऐसे इन ऑन बाय इस तरह से प्रपोजिशन आ जाए और उस नाउन का प्लूरल बनाना हो, खास बात है ये प्रपोजिशन होगा, दो या दो से अधिक शब्द होंगे, पूरा कंपाउंड नाउन होगा, कंपाउंड यानी दो या दो से अधिक मिलकर के बनेगा और उसमें एक प्रपोजिशन होगा। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाते समय कमांडर में एस लगाओगे कि चीफ में एस लगाओगे, यह है प्रश्न। कमांडर में एस लगाओगे कि चीफ में एस लगाओगे? तो रूल यह है कि जब प्रपोजिशन दिया हुआ होना तो प्लूरल इस पहले वाले नाउन का बनेगा, इसमें एस लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा इसका प्लूरल? कमांडर में एस लगा दो, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, इस तरह से प्लूरल बनाओ। ध्यान रखना एक हिंट इसमें है कि प्रपोजिशन साथ में होगा। जैसे हम एग्जांपल एक और लें, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ सासू के बारे में अगर हम बात करें, इसको इंग्लिश कहते हैं, ये भी कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो इसके के लिए क्या करेंगे आप, इसमें भी देखो प्रपोजिशन आ गया आपके पास, तो पहले वाला जो नाउन है ना इसमें आप लोग एस लगा देंगे, पहले वाले नाउन, तो क्या हो गए, मदर में एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, मदर्स इन चीफ, मदर्स, मदर्स इन लॉ, एस यहां लगाओगे, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ठीक है ना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ कंपाउंड नाउन हो, उसका प्लूरल बनाना हो और उसमें प्रपोजिशन दिया हुआ हो, क्या दिया हो, प्रपोजिशन दिया हुआ हो, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले वाले नाउन में एस लगा देंगे, मदर्स में या मदर में एस लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये दूसरी बात देखो, जैसे कुछ नाउन ऐसे हैं जो वर्ब से बनते हैं, जैसे लुक, देखना, लुक में जोड़ दो ईआर, लुकर, और फिर एक जोड़ दो प्रपोजिशन, ये लुक वर्ब है, वर्ब में जोड़ दिया ईआर और साथ में जोड़ दिया प्रपोजिशन। लुकर ऑन दर्शक के लिए बोलते हैं, दर्शक को कहते हैं लुकर ऑन, तो इसका बनाना है पैसिव, तो ऐसे रख लो इसमें भी प्रपोजिशन आ गया ना, तो पहले वाले में एस लगाना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा, लुकर्स ऑन। ऐसे देखो आप एक वर्ड और देख सकते हैं, आप पासर बाय, पासर बाय यानी राहगीर, पासर बाय राहगीर, इसका क्या बनाएंगे आप, पासर्स बाय, पासर बाय का प्लूरल क्या बन जाएगा, पासर्स बाय। पासर कैसे बना, पास यानी गुजरना, वर्ब हो गई और इसमें लगा दिया ईआर, फिर बाय लगा दिया, प्लूरल बनाना है तो पासर में एस लगा देंगे, पासर्स बाय। ये दो बातें हुई कंपाउंड नाउन की, साथ में प्रपोजिशन हो तो पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाते हैं। अच्छा फिर देखिए आप,
जैसे सी बात देखो आप, एक वर्ड है मेजर जनरल, मेजर जनरल का प्लूरल बनाना है मेजर जनरल, ये भी अधिकारी कमांडर इन चीफ में कमांडर में एस लगा, मेजर जनरल में देखो कहीं प्रपोजिशन नहीं है, अगर प्रपोजिशन नहीं हो तो फिर आप प्लूरल बाद वाले का बनाते हैं, मेजर में एस नहीं लगाएंगे ना यहां नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे जनरल में, मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का प्लूरल बनाना है तो चीफ में एस लगाओगे मिनिस्टर में एस लगाओगे, यहां पर आप मिनिस्टर में एस लगाओगे क्योंकि बीच में प्रपोजिशन नहीं है, चीफ मिनिस्टर्स, एस यहां लगेगा। इनपे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से, ऐसे ऐसे बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का प्लूरल करना है तो बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है, दो नाउन है कंपाउंड नाउन हो गया तो बाद वाले नाउन का प्लूरल बनेगा, बॉयफ्रेंड का बनेगा बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, स्टेप फादर स्टेप फादर्स, ठीक है ना, फाउंटेन पेन फाउंटेन पेन्स, मेड सर्वेंट नौकरानी के लिए आता है, मेड सर्वेंट्स, लेकिन ध्यान रखना जैसे ये मेड सर्वेंट से, मेड सर्वेंट से अगर मैन सर्वेंट हो जाता, ये तो होता है नौकरानी के लिए, मेड लड़कियों के लिए यूज करते हैं, मेड सर्वेंट नौकरानी नौकरानियां, लेकिन मैन सर्वेंट आ जाए, मैन सर्वेंट किसके लिए करते हैं हम लोग यूज, ये नौकर के लिए हो गया मैन सर्वेंट, आजकल तो केवल सर्वेंट ही वर्ड यूज कर लेते हैं, बट पुराने इंग्लिश में इसको मैन सर्वेंट कहते थे, मेड सर्वेंट कहते थे, इसका अगर प्लूरल बनाना है तो अब ये नया ही रूल हो जाएगा, डी एक नया रूल हो जाएगा, मैन सर्वेंट का अगर प्लूरल बनाना है तो मैन का प्लूरल बनाएंगे आप, एम एन का हो जाएगा एम एन, और सर्वेंट का भी प्लूरल करेंगे, अगर कोई व्यवसाय बताने वाले पेशे बताने वाले नाउन बनाने हो तो मैन वुमन से बनते हैं, अगर वो पुरुष है तो मैन, स्त्री हो तो वुमन, तो ऐसे में अगर मैन वुमन पहले लगा हो और वो पेशा व्यवसाय बताता हो और प्लूरल करना हो तो प्लूरल दोस्तों दोनों का ही होगा, मतलब मैन का भी प्लूरल करेंगे और सर्वेंट का प्लूरल करेंगे, तो एम ई एन मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स, ठीक है ना, दोनों का ही प्लूरल करेंगे, बात समझ आ रही है आपको, जैसे अगर हमें करना हो वुमन डॉक्टर तो होगा विमेन डॉक्टर्स, विमेन डॉक्टर्स, वुमन डॉक्टर हो तो उसका क्या होगा विमेन डॉक्टर्स होगा, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स होगा, वुमन टीचर विमेन टीचर्स, ठीक है ना, मैन टीचर मैन एम ई एन मैन टीचर्स, अच्छा ये जब है जब पेशा व्यवसाय बताते हो और मैन वुमन लगा हो तो फिर आप दोनों का ही प्लूरल करते हैं, देखो हमने तीन बातें पढ़ ली, बल्कि ये हमारे पास चौथी बात हो गई, हमने पढ़ा कि अगर कोई बड़े कंपाउंड नाउन हो उनमें बीच में प्रपोजिशन हो तो पहले वाले नाउन का आप प्लूरल बनाते हैं, कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन चीफ होगा, मदर इन लॉ में मदर्स इन लॉ होगा, इसी प्रकार से अगर वो वर्ब और ईआर से लुकर ऑन पासर बाय इस तरह से अगर वर्ड बने हो, ठीक है ना, तो और साथ में प्रपोजिशन हो तब भी प्लूरल आप पहले वाले नाउन का ही बनाएंगे, और तीसरी बात हमने पढ़ी कि अगर बीच में प्रपोजिशन वगैरह नहीं हो तो आप प्लूरल पहले का ना बना करके दूसरे वाले का बनाओगे, ये सब चल रहा था, फिर जैसे आया मैन सर्वेंट, इसमें भी कोई प्रपोजिशन नहीं था तो क्या पहले वाले का बनेगा, जी पहले वाले का भी बनेगा और बाद वाले का भी बनेगा, इसमें दोनों का होगा, मैन सर्वेंट्स विमेन डॉक्टर्स, जब ये पेशा व्यवसाय बताते हो तो इस तरह के बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें भी, मान लो ऐसे आ जाए वुमन हेटर, वो व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है, वुमन हेटर वुमन लवर, ये कोई एक व्यक्ति है
उसकी बात कर रहा है तो फिर उसके लिए आप प्लूरल जो है फिर बाद वाले में ही लगेगा, फिर पहले वाले मत करो। वुमन हेटर्स, ये दो अपवाद है, वुमन हेटर और एक मैन ईटर। अब देखो मैन ईटर क्या है, मैन ईटर एक जानवर है जो आदमियों खाता है, नरभक्षी। तो नरभक्षी अगर ज्यादा हो तो फिर वो आदमियों खाने वाला नहीं, मैन ईटर्स मतलब आदमी को खाने वाले जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं। तो मैन ईटर जानवर हैं बहुत सारे, तो एम ए एन का प्लूरल नहीं करना अपने को, प्लूरल बाद में लगाओगे। वुमन हेटर, बहुत सारी औरतें नहीं है, वो वुमन को हेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वुमन का प्लूरल करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आप हेटर में एस लगाओ। ऐसे ही मैन ईटर में मैन का प्लूरल मत करो, ईटर का प्लूरल करो, मैन ईटर्स। ये नरभक्षी हैं, वुमन हेटर वो लोग हैं जो कि औरतों से नफरत करते हैं, तो वुमन हेटर्स, औरत से नफरत करने वाले, औरत से नफरत करने वाले, औरतों से नफरत करने वाले नहीं, औरत से नफरत करने वाले। तो ये वुमन हेटर का वुमन हेटर्स होगा, मैन ईटर का मैन ईटर्स होगा। ये चार बातें कंपाउंड नाउन, इसको एक काम करते हैं दोबारा फिर पढ़ लेते हैं ताकि पूरा रिवाइज हो जाए और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए क्या बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये रूल आपके सामने है, कंपाउंड नाउन के अगर हम प्लूरल्स की बात करें, कंपाउंड नाउन्स, और इसमें चार बातें ए बी सी डी। तो देखो ए क्या है, अगर नाउन दे रखे हो दो और बीच में दे रखा हो प्रपोजिशन, तो पहले वाले नाउन का प्लूरल होगा। क्या करेंगे आप, पहले वाले नाउन का प्लूरल करेंगे, पहले वाले नाउन का। जैसे मदर इन लो, सासू, मदर नाउन है, लो नाउन है, बीच में इन आ गया, तो एस कहां लगाओगे, मदर में लगाओगे, मदर्स इन लो। ऐसे सिस्टर इन लो दे रखा हो तो सिस्टर में एस लगाओगे, सिस्टर्स इन लो साली, और सिस्टर इन लो साली, और सिस्टर्स इन लो सालियां। कमांडर इन चीफ, तो इन आ गया तो कमांडर में एस लगाओगे, कमांडर्स इन चीफ। ग्रांट इन एड, सहायता राशि के लिए यूज करते हैं, प्रोपोजिशन आ गया बीच में, ग्रांट में एस लगाओगे, ग्रांट्स इन एड। मैन ऑफ वॉर, समुद्री जहाज होता है लड़ाकू, ठीक है, लड़ाकू समुद्री जहाज, मैन ऑफ वॉर का क्या करेंगे आप, मैन ऑफ वॉर पहले वाले करोगे प्लूरल, पहले वाले का एम ए एन को एम ई एन कर देंगे, वॉर में एस नहीं लगाएंगे। लेडी इन वेटिंग, वो औरत जो आपके आदेश का इंतजार कर रही है, मतलब दासी, वेटर, दासी, दासी। लेडीज इन वेटिंग, पहले वाले नाउन का प्रयोग करेंगे। अच्छा देखो एक अपवाद है, नोटरी पब्लिक जो वर्ड है इसमें देखो प्रपोजिशन नहीं है बीच में, नहीं दिख रहा, फिर भी इसका जो प्लूरल है पहले वाले का ही होगा, बाद वाले का। आजकल हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में बाद में भी करने लगे हैं, नोटरी पब्लिक्स भी होने लगा है, लेकिन पुराने इंग्लिश कहती है नोटरीज पब्लिक, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित करते हैं, लेखा प्रमाणक बोलते हैं इनको, नोटरी पब्लिक, नोटरीज पब्लिक। ये अपवाद है, बिना प्रिपरेशन के भी पहले वाले में रहा है। हालांकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नोटरी पब्लिक्स लोग कहने लगे हैं, बट पुराने इंग्लिश तो यही है, और पुराने इंग्लिश से ही क्वेश्चन जनरली वो पूछ लेता है, हमें नियम पुराने वाले मानने पड़ते हैं ग्रामर के अंदर। यहां तक समझ आ रहा है आपको, ये हो गया ए। अब वो लुकर ऑन और वो पासर बाई वाला रूल क्या था वो देखिए अब आप आगे। कुछ नाउन्स हैं जो वर्ब और ईआर से बनते हैं, जैसे वर्ब है लुक, उसमें जोड़ दिया ईआर, और साथ में जोड़ते हैं कोई एडवर्ब या प्रपोजिशन, साथ में कोई प्रपोजिशन जोड़ा जाता है। जैसे यहां जोड़ दिया हमने ऑन, लुकर ऑन, तो क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन, दर्शक। जैसे पासर बाई, पासर बाई क्या हो जाएगा, पासर्स बाय, राहगीर, पासर्स बाय, ठीक है ना, राहगीर जो राह चलते हुए जो गुजरते हुए देखता है। हैंग लटकना, हैंगर, ईआर जोड़ दिया, साथ में ऑन आ गया। तो इस तरह से वर्ब प्लस ईआर प्लस कोई एडवर्ब या प्रपोजिशन आ जाए तो पहले नाउन का ही प्लूरल होगा पहले की तरह। तो हैंगर्स ऑन, पिछलग्गू जो पीछे रह गया, पीछे लटक गया, पिछलग्गू। रनर अप, रन में ईआर जोड़ा, रनर अप, तो रनर्स अप। ये जो होता है ना जब कोई कंपटीशन होता है, जो एक तो जीत जाता है उसके बाद जो सेकंड रहता है उपविजेता, उसे कहते हैं रनर अप, तो रनर्स अप, ठीक है ना। अब देखो ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिसमें प्रिपरेशन नहीं होता,
उनमें दूसरे नाउन का प्लूरल होता है, दूसरे नाउन का, वो नोटरी पब्लिक अपवाद है, उसमें पहले वाले का ही प्लूरल हो रहा है। बाकी उसके अलावा कंपाउंड नाउन जिनमें प्रीपोजिशन नहीं होता ना, उनमें दूसरे नाउन का प्लूरल करते हैं। जैसे मेजर जनरल में क्या करेंगे हम, मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स बाद वाले में लगाएंगे। और देखिए आप, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स एस बाद में लगाएंगे, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन्स, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेप फादर, स्टेप फादर्स, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने बताया बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स होता है, तो उसने पूछ लिया लड़के ने किसी क्लास में कि साहब गर्लफ्रेंड का प्लूरल क्या होगा। अरे मैं कहा भाई जो बॉयफ्रेंड का वो गर्लफ्रेंड का होगा, बट तू ये सोच कि इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है क्या भाई। जमाने में लिंगानुपात तो वैसे कम है, लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा हैं, तो गर्लफ्रेंड तो एक हो जाए वही बड़ी बात है, तो गर्लफ्रेंड से पूछ क्यों रहा है, तो बहुत मुश्किल है। हाँ ये जरूर फिर भी पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है लिंगानुपात के हिसाब से। एनीवेज, पिक पॉकेट का क्या करेंगे, पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स, ये तो जेब कतरे, पिक पॉकेट्स यानी जो जेब कतरे होते हैं, जो जेब काट लेते हैं, पिक पॉकेट्स, जेब में से आपके आपका वॉलेट वगैरह निकाल लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, पिक पॉकेट्स। मेड सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स, है ना, पहले में लगाओगे बाद में लगाओगे, इनमें सब में बाद वाले में लगेगा। हाँ दोस्तों, इसके बाद देखिए आप लोग आगे, मैन सर्वेंट जो बता रहा था आपको, मैन सर्वेंट, इसमें ये कंपाउंड नाउन है मैन सर्वेंट, और यहां पर जो अगर हम बात करें तो एम ए एन और सर्वेंट, मैं बता रहा था जो ये मैन वुमन से जो कभी प्रोफेशन बनते हैं उनका अगर प्लूरल बनाना हो, मैन और वुमन, मैन है वुमन है, और इनके प्लूरल बनाने हो तो प्लूरल दोनों के ही बनते हैं, दोनों नाउन्स के बनते हैं, मैन का भी प्लूरल बनेगा और सर्वेंट का भी बनेगा, तो मैन का हो गया एम ई एन और सर्वेंट का हो गया सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स। ऐसे वुमन सर्वेंट क्या हो जाएगा, विमेन सर्वेंट्स। वुमन डॉक्टर क्या हो जाएगा, विमेन डॉक्टर्स। वुमन टीचर क्या हो जाएगा, विमेन टीचर्स। मैन ड्राइवर, आदमी अगर ड्राइवर हो और बहुत सारे आदमी ड्राइवर्स हो तो मैन ड्राइवर्स, इन दोनों का ही प्लूरल बन जाता है। पहचान कर लोगे, मैन वुमन आएगा और इस तरह से डॉक्टर, सर्वेंट, ड्राइवर, कोई प्रोफेशन की बात करेगा तो दोनों के ही प्लूरल बनाने हैं। ऐसे इसके अपवाद हैं कि मैन है और फिर एक नाउन है, लेकिन प्लूरल जो होगा वो बाद वाले का ही बनेगा, मैन ईटर्स। एक्चुअली प्रोफेशन नहीं है, मैन ईटर्स मतलब नरभक्षी जानवर, तो अगर ज्यादा जानवर हो तो मैन ईटर्स, तो ऐसे यहां लगेगा। ऐसे ही वुमन हेटर, औरत से नफरत करने वाला कोई व्यक्ति है, औरतें नहीं है तो औरत से नफरत करने वाले लोग बहुत सारे, तो वुमन हेटर्स। ये दो अपवाद के रूप में याद रख सकते हो, एक्सेप्शन के रूप में याद रख सकते हो। ये हो गया हमारा रूल नंबर 7, कंपाउंड नाउन्स के बारे में इसमें हमने बात की, ठीक है ना दोस्तों। ओके, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 8 पे, रूल नंबर 8 पे बात करते हैं। ये कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, देखो आप ये कुछ फॉरेन वर्ड्स है दोस्तों, और फॉरेन वर्ड्स की अगर हम बात करें, फॉरेन वर्ड की अगर हम बात करें तो ये कुछ लैटिन भाषा के शब्द हो सकते हैं, कुछ ये ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हो सकते हैं, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस के होते हैं। मैं आपको मेन मेन बताने वाला हूँ जहां पे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं और कॉमन एरर्स में वो आ जाती हैं चीजें। कुछ ऐसे नाउन हैं लैटिन के, ग्रीक लैंग्वेज के, जिनके जब प्लूरल बनाते हैं फिर वो उन्हीं लैंग्वेज के रूल लगते हैं, फिर वो हमारे इंग्लिश के रूल नहीं लगते उसके अंदर। हमारे इंग्लिश में तो रूल क्या है कि किसी भी नाउन का प्लूरल बनाना हो उसमें एस और ई एस जोड़ दो तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ लैटिन भाषा के, कुछ ग्रीक के, कुछ फ्रेंच के, कुछ इजरायली जो हिब्रू लैंग्वेज है उन लैंग्वेजेस के अलग अलग भाषाओं के कुछ रूल्स होते हैं, उनमें उन्हीं भाषाओं के प्लूरल के रूल लगते हैं, इंग्लिश के रूल नहीं लगते। आजकल मॉडर्न इंग्लिश जरूर वो कुछ शब्दों में इंग्लिश के रूल भी लगाने लगे हैं, तो वो बता दूंगा कि कहां पर इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज दोनों के रूल लग रहे हैं और कहां पर वो केवल फॉरेन लैंग्वेज के रूल लग रहे हैं। जैसे देखो आप,
एक शब्द सुना होगा आपने, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन जो है इस वर्ड में लास्ट में ओ एन होता है, और जब प्लूरल बनाते हैं ना तो इस ओ एन को ए में चेंज कर देते हैं। ओ एन को काय में चेंज करते हैं दोस्तों हम लोग, ए में चेंज कर देते हैं, तो क्राइटेरियन का प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया, यानी कसौटी। किसी चीज को मापने का मापदंड होता है, कसौटी होती है, मापदंड होता है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरियन है। ओ एन को हटा के ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। ये जो ओ एन था देखो आप, इस ओ एन को हटा दिया और क्या बना दिया हमने, ए बना दिया, क्राइटेरिया। एक शब्द और दे रखा है बुक्स में इसी रूल का, फिनोमेनन। फिनोमेनन में ओ एन है, फिनोमेनन यानी जो एक नजारा, जो परिदृश्य, बाहर का जो आवरण जो देखते हैं, जो दृश्य देखते हैं आप, परिदृश्य उसको बोलते हैं फिनोमेनन, और फिनोमेनन का प्लूरल आप बताइए क्या हो जाएगा, ओ एन को हटाकर क्या कर देंगे हम लोग, ए कर देंगे, एस नहीं लगाएंगे, फिनोमेनन्स नहीं होगा ना, इंग्लिश का रूल नहीं लगेगा, ये जिस भाषा का है उसी भाषा का रूल लगेगा। फिनोमेनन का हो जाएगा फिनोमेना, ओ एन को ए कर दें, ओ एन को ए एन कर दें। अब देखो ये एरर में कई बार आ जाता है, अब ये सब क्यों सिखा रहा हूं आपको मैं, ये क्यों इतनी बातें पढ़ रहे हैं हम लोग, मैं आपको देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कनेक्ट करता हूं इस रूल को। जैसे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, व्हाट द क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन इन दिस कॉलेज, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया या व्हाट आर द क्राइटेरिया, वो आपको देखना है। हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चन। यहां आपको एक वर्ब भरनी है, वर्ब भरी जाती है सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन मार्क लगाना था हमको यहां पे, व्हाट द क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। तो डब्ल्यू एच ओ वाले क्वेश्चंस में जो सब्जेक्ट होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद होता है, तो यहां वर्ब आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट ये है। अब ये सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ये बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, जस्ट हमने पढ़ लिया अभी कि साहब क्राइटेरियन तो होता है सिंगुलर और क्राइटेरिया होता है प्लूरल, तो यहां क्राइटेरिया लिखा हुआ है जो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में आप वर्ब भी कैसे लगाओगे, प्लूरल ही लगाओगे। नाउन प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया तो प्लूरल होता है, तो यहां प्लूरल वर्ब लगेगी तो इज नहीं आएगा, क्या लगाओगे इसके अंदर आप, आर का यूज करोगे, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन। फिनोमेनन है तो सिंगुलर, फिनोमेना है तो प्लूरल। ये ऐसे कुछ फॉरेन वर्ड्स के वर्ड है, जैसे एक होता है एक्सिस, एक्सिस में आई एस लगा हुआ है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो आई एस को कर देंगे ई एस, एक्सिस। और भी होते हैं जैसे आप देखना, एक वर्ड होता है डेटम, डेटम में यू एम होता है, यू एम अटके ए हो जाता है डेटा, डेटा भी कहते हैं डाटा भी कहते हैं, दोनों उच्चारण सही होते हैं। डेटम का डेटा, इरेटम का इरेटा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे ये रूल है, आई एस का ई एस कर दिया, यू एम का ए कर दिया, आपने सुना होगा बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, हालांकि आजकल बैक्टीरियम्स भी कहते हैं, पुराने इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते थे, आजकल उसको बैक्टीरियम, बट आजकल तो कहते बैक्टीरिया ही वर्ड हो गया है, यूज ही कम करते हैं बैक्टीरियम को, बट बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, डेटम का डेटा, इरेटम का इरेटा, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे देखना आप, फोकस, यूएस आ गया, तो यूएस को उठा के आई करने का रूल था पुराना, आजकल तो फोकसेस भी करने लगे, बट पुराना नियम था आई कर दो, तो कैसे करेंगे, यूएस को उठा के आई, ये हो जाएगा एफ ओ सी आई, फोसाई, फोसाई केंद्र बिंदु, फोकस, यूएस को उठा के आई। तो ये अलग अलग
भाषा के अलग अलग रूल्स हैं, थोड़े क्वेश्चन इनके भी हमें कर लेने चाहिए, थोड़े एग्जांपल्स इनके भी कर लेने चाहिए कि कब हम ओ एन को ए करते हैं, कब हम लोग यू एस को आई में चेंज कर देते हैं, आई एस को ई एस करते हैं, यू एम को हम लोग ए कर देते हैं, ठीक है ना। ये कुछ फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इन पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग, ये रहे आपके सामने कुछ फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स, प्लूरल ऑफ फॉरेन वर्ड्स। जैसे अगर किसी शब्द में ओ एन आ जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ए। इसके दो उदाहरण है, हर ग्रामर में इसके दो उदाहरण है, मैंने खूब देखा अलग अलग ग्रामर्स में दो वर्ड मिलते हैं, क्राइटेरियन और फिनोमेनन। क्राइटेरियन का तो क्या कर देंगे हम लोग, क्राइटेरिया, फिनोमेनन का फिनोमेना। क्राइटेरियन क्या होता है, मापदंड, कसौटी, तो क्राइटेरिया हो जाएगा, फिनोमेनन का फिनोमेना हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, व्हाट योर क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन, आपके एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया दोस्तों सिंगुलर है कि प्लूरल है, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे क्राइटेरिया तो प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, क्या लगाओगे आप, आर लगाओ। व्हाट आर योर क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन। अगला देखो, इट इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन आएगा या फिनोमेना आएगा। अब देखो सेंटेंस, अब देखो कौन सा नाउन आना चाहिए, इट इज एन, यह एक इंटरेस्टिंग परिदृश्य है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है, एन आ गया, एन आ गया मतलब सिंगुलर आना चाहिए। अब बताइए इसमें सिंगुलर कौन सा है, फिनोमेनन या फिनोमेना, जिसमें ओ एन लगता है ना वो सिंगुलर होता है, ये पता होना चाहिए हम लोग, और वो पता हमें इस रूल से लग रहा है कि फिनोमेनन में ओ एन है तो भैया सिंगुलर है और यह फिनोमेनन आना चाहिए, फिनोमेना तो प्लूरल होता है। बात क्लियर हो गया आप लोगों के, ये हो गया फॉरेन वर्ड्स का एक रूल, ओ एन को ए में चेंज करना है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमेनन का फिनोमेना, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए आई एस का ई एस, एनालिसिस, विश्लेषण, आई एस है इसके अंदर, आई एस को कैसे चेंज कर देंगे, एक्चुअली आई को ई में चेंज कर रहे हैं, एस तो एस ही रह रहा है, देखो आप आई एस को ई में चेंज कर रहे हैं, ये आप ऐसे याद रख लो, आई एस आ जाए तो ई एस करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा नहीं है रूल, फॉरेन वर्ड्स का है जो इंग्लिश में अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सामने, एनालिसिस का एनालिसिस, एक्सिस एक्सिस, ठीक है, आई एस का ई एस, बेसिस बेसिस। मैं कोई एग्जाम देख रहा था शायद, एक बी एस एन एल के जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम था या विमेन सुपरवाइजर का था, नहीं टैक्स असिस्टेंट 2015 का था आई थिंक, उस एग्जाम में इनमें से एक एक दो एग्जाम्पल पूछ लिए, सिंगुलर का प्लूरल पूछ लिया उसने, ठीक है ना। तो एक्सिस का एक्सेस होता है, बस आई एस को ई एस चेंज कर देंगे, बेसिस का बेसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस, हाइपोथिसिस उपकल्पना, तो हाइपोथिसिस मैंने अर्थ लिख दिए आपके सामने, क्राइसिस संकट होता है, बेसिस का ये गलत है, इसको आप चेंज कर लेते हैं हम लोग, बेसिस का होता है आधार, बेसिस, क्राइसिस का होता है संकट, क्राइसिस, डायग्नोसिस का होगा डायग्नोसिस, ठीक है ना। और देखिए आप आगे, डायग्नोस द रोग का पता लगाना, क्या होता है दोस्तों, रोग का पता लगाना, रोग का पता लगाना, डायग्नोसिस, बीमारियों को जो डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर भी होते हैं। हाइपोथेसिस उपकल्पना, हाइपोथेसिस, मेटामॉर्फोसिस कायंत्रण, मेटामॉर्फोसिस, ओइसिस का ओइसिस, मरुध्यान होता है रेगिस्तान के बीच में जहां पानी वगैरह तो हरियाली मिल जाती है, उसको ओइसिस कहते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है ये, वन वर्ड में भी पूछा जाता है ओइसिस, अच्छे वर्ड है ये। मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल ही काया रूप पलट दिया किसी का आपने, मेटामॉर्फोसिस कर दिया। सिनॉप्सिस, ये जो हम लोग अपने रिसर्च करते हैं पीएचडी वगैरह के अंदर या जहां जमा कराते हैं अपनी थीसिस वगैरह, तो उससे पहले, उस थीसिस से पहले एक सिनॉप्सिस लिखा जाता है, मतलब मेन मेन पॉइंट्स होते हैं जिससे पढ़ के आप पूरा उसके समरी के रूप में होता है कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं, उसका शुरू के कुछ पेजेस में आपको थोड़े हिंट दे दिए जाते हैं, कुछ एक रूपरेखा बना दी जाती है, उसे हम कहते हैं सिनॉप्सिस।
रूपरेखा सिनॉप्सिस ये इसका हो जाएगा प्लूरल। आईएस को हटा करके क्या करना है हम लोगों को, ईएस करना है। सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस, ओएसिस ओएसिस, मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। और देखिए आप आगे कुछ एग्जांपल और देखें इसके। थीसिस, जो थीसिस करते हैं हम लोग, खोज करते हैं अनुसंधान करते हैं और उसके ऊपर जो लेख लिखा जाता है उसे थीसिस कहते हैं, और थीसिस का वाद भी अर्थ होता है, थीसिस वाद, एंटीथीसिस उसका विपरीत वाद करते हैं जो, और थीसिस और एंटीथीसिस को मिला करके सिंथेसिस। कार्ल मार्क्स वगैरह ने सिद्धांत दिया था इस तरह का, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। तो थीसिस थीसिस सिंथेसिस सिंथेसिस। आईएस को हटा करके ईएस करना है, बात यह है, ठीक है ना। आईएस को हटा कर क्या करना है, ईएस करना है, दैट्स इट। अच्छा आप देखो ये यूएस का आई करना है, एलमनस, भूतपूर्व छात्र जो होते हैं किसी स्कूल के कॉलेज के उनको एलमनस कहते हैं, एलमनस, और यूएस आ गया तो इसे क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं। देखो आप अलमनाय, इसका उच्चारण होता है अलमनाय। बैसिलस, हानिकारक कीटाणु, यूएस आ गया, यूएस चेंज कर देंगे आई के अंदर, बैसिलाय। लोकस लोसाय, स्टिमुलस प्रेरक स्टिमुलाय, यूएस को हटाकर आई कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आप कुछ जगह अंग्रेजी में ये दोनों बातें रख ली गई हैं कि यूएस को हटा के आई भी कर सकते हो और ईएस भी जोड़ सकते हो, हमारा जो प्लूरल का है एस और ये जोड़ना वो भी कर सकते हो। जैसे लेकिन जैसे कैक्टस वर्ड है तो कैक्टस में यूएस है तो कैक्टस का कैक्टाई आई भी कर दिया और कैक्टस में ईएस भी जोड़ दिया, तो इसमें दोनों प्रकार के प्लूरल हो गए, दोनों प्रकार के प्लूरल है। दोनों मतलब ये जिस भाषा से लिया गया वर्ड उस भाषा का भी रूल लगा दिया आई करके, और हमारे इंग्लिश का भी रूल लगा दिया कि कैक्टस में ई एस जोड़ दिया। तो आजकल प्रचलन ये है, पुराने इंग्लिश का ये है, दोनों ही ठीक माने जाते हैं। कैक्टस का कैक्टाई कैक्टसस, फोकस का फोसाई या फोकसस, ठीक है ना। और ऐसे देखो आप लोग आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। फंगस यूएस है तो यूएस कर दिया आई, फंगी फंजाई फंगाई, तीन उच्चारण होते हैं इसके, फंगी फंगाई और फंजाई, पता ना फंगी नहीं होगा, फंगी फंजाई फंगाई। और फंगस में ईएस लगा करके भी प्लूरल बना सकते हो फंगसेस। ऐसे जीनियस यूएस है तो जीनियस क्या हो जाएगा, जीनियाई, जीनियसेस ईएस जीनियसेस। रेडियस में यूएस है तो रेडियाई आई लगा दिया या रेडियसेस ईएस लगा दिया, ठीक है ना, रेडियसेस। सिलेबस यूएस है, सिलेबाई और सिलेबसेस सिलेबसेस, ठीक है ना, सिलेबस का सिलेबाई और सिलेबसेस, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये आपने क्या किया, दोनों बना दिए, सिलेबस का सिलेबाई भी होता है सिलेबसेस भी होता है। पुराने लोग आपको देना सिलेबाई बोलना आप सुनेंगे उनसे, बट आजकल लोग सिलेबसेस बोलने लगे हैं, सिलेबसेस। रेडियस त्रिज्या होती है, रेडियाई रेडियसेस। जीनियस, बहुत जीनियस जो लोग होते हैं उनका जीनियाई, पर जीनिया अगर जीनी कर दोगे, जीनियाई नहीं जीनी, अगर जीनी कर दिया तो प्रेतात्मा बन गई, जीनी जिन जीनी, और जीनियसेस कर दिया प्रतिभाशाली लोग हो गए। फंगस बता दिया आपको मैंने, फंगाई तीन चरण होते हैं। ऐसे देखो आप यूएम, यूएम से ए बना देते हैं, अडेंडम अडेंडा, यूएम को चेंज कर दिया ए में, यूएम को उठा के कर दिया उसका ए, अडेंडम का अडेंडा अडेंडा अडेंडम अडेंडा क्या होता है, एड से बना, देखो एड एड यानी जोड़ना, किसी बुक के लास्ट में जोड़ी गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आप बुक लिख रहे हैं, बुक में आपको लगता है कहीं कुछ चीज छूट गई तो लास्ट के पेजेस में वो इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, उसे कहते हैं एडेंडम। ये एक ना प्रशासनिक शब्दावली भी है, ये ऑफिशियल टर्म भी है,
जो लोग यूज करते हैं प्रशासनिक शब्दावली के अंदर, एडेंडम का प्लूरल एडेंडा, एजेंडम एजेंडा जिसे हम कहते हैं कार्य सूची, किसी मीटिंग से पहले एक एजेंडा निर्धारित किया जाता है, बातचीत करने से पहले एक एजेंडा निर्धारित किया जाता है कि हमें किन किन पॉइंट्स पर बात करनी है, वो होता है एजेंडा, हमारे क्या क्या एजेंडा हैं, किन किन कार्यों पर हमें बातचीत करनी है। अच्छा, आजकल जो एजेंडा वर्ड है ना, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में यूज होने लग गया, एक तो एजेंडा वर्ड ये सिंगुलर में भी यूज हो जाता है, प्लूरल में भी यूज होता है, ऐसे डेटा वर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कर लेते हैं। पुरानी इंग्लिश तो कहती है डेटम और डेटा, एजेंडम और एजेंडा, बट आजकल लोग एजेंडा और डेटम को, एजेंडा और डेटा को सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करने लगे हैं। बैक्टीरियम, इसका बैक्टीरिया, कोरिजेंडम शुद्धि पत्र होता है, अखबार वगैरह में जब कोई समाचार देते हैं, कोई नोटिस देते हैं और लगता है कि इसमें कोई डेट में या किसी और चीज में करेक्शन करना है, कुछ गलत लिख दिया आपने, तो अगले दिन फिर उसका एक शुद्धिकरण आता है अखबार में, वापस का शुद्धिकरण आता है, शुद्धि पत्र कहते हैं उसको हम लोग। तो कोरिजेंडम का क्या हो जाएगा, कोरिजेंडा हो जाएगा, शुद्धि पत्र, कोरिजेंडम कोरिजेंडा, ठीक है ना, बहुत अच्छा वर्ड है, ऑफिशियल टर्म है, इसको याद रखना आप लोग। ये देखो केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या नाउंस में काम आने वाला नहीं है, एक टॉपिक और होता है हमारे जनरली सिलेबस में आरपीएससी के एग्जाम्स में या और बहुत सारे एग्जाम में, ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स आरएएस एग्जाम में होता है, आईएएस वगैरह एग्जाम में भी होता है, तकनीकी शब्दावली, तो उसमें होता है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का क्या करेंगे आप, कोरिजेंडा करेंगे, ठीक है ना, यूएम का आप ए कर देंगे, यूएम को ए में चेंज करते हैं। आगे देखिए आप डेटम, डेटम आ जाए वर्ड, तो डेटम का करते हैं यूएम, आगे देखो इसमें डेटम को करते हैं ए में चेंज, डेटम का डेटा, आजकल डेटा यूज करने लगे हैं सिंगुलर प्लूरल सबके अंदर। इरेटम में यूएम है तो यूएम को उठाकर ए कर देंगे, इरेटम इरेटा, ये छापे खाने की भूल होती है पब्लिशिंग में, किताब आता छापने में, नोट छापने में गलतियां होती हैं, उसको हम ए गलती है तो इरेटम, एक से ज्यादा गलती है तो इरेटा कहते हैं। आपको ध्यान, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने एरर, एरर में भी ई डबल आर आता है, देखो आप एरर यानी गलती, और इरेटम यानी भी भूल, गलती, छापे खाने की भूल के लिए स्पेशली यूज करते हैं। ओवम, ओवम जब वो अंडाणु होता है महिलाओं के गर्भ में, मादा के गर्भ में, उसे ओवम कहते हैं, और ओवम का प्लूरल इस यूएम को उठाकर ए कर दीजिए, ओवा, ओवम का प्लूरल ओवा। ऐसे स्ट्रेटम, यूएम है, स्ट्राटा ए हो जाएगा, चट्टान आदि की जो परत होती है उसको स्ट्राटा कहते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इसमें भी एक बात है, कुछ ऐसे वर्ड्स, चार वर्ड देख रहे हैं आप, इनके प्लूरल में पुराना नियम भी लगता है, एक्वेरियम, एक्वेरियम जानते हो आप, जो पानी का एक कांच का बर्तन होता है उसमें पानी होता है, उसे मछलियां वगैरह डाली जाती हैं, उसको कहते हैं एक्वेरियम, तो एक्वेरियम का प्लूरल एक्वेरिया, और आजकल एक्वेरियम्स, एक्वेरियम पूरा लिख करके एस लगा कर भी करते हैं, तो दोनों ही तरह के प्रचलन में अब इन वर्ड्स के, इनका एक ही चल रहा है अभी भी, इनके दोनों होते हैं। ऐसे करिकुलम में यूएम है तो करिकुला और करिकुलम्स, मेमोरेंडम में यूएम तो मेमोरेंडा और मेमोरेंडम्स दोनों होते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है मेमोरेंडम, इसको हम कहते हैं स्मरण पत्र, स्मरण पत्र, इसको याद करना आप, ये एग्जाम में काम आता है। मेमोरेंडम होता है आपने कहीं कोई लेटर लिखा, उसका जवाब नहीं आया, दोबारा फिर पूरा लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, उस पुराने लेटर का एक मेंशन करके दे दो आप उसको, तो उसे कहते हैं मेमोरेंडा, कि आपने उसको वापस याद दिलाया है, उसके लिए वापस स्मरण पत्र, स्मरण यानी याददाश्त के लिए एक लेटर लिखा आपने, ज्ञापन पत्र, स्मरण पत्र, मेमोरेंडम सिंगुलर होता है, मेमोरेंडा प्लूरल होता है, और आजकल तो मेमोरेंडम्स भी बोलने लगे हैं। ऐसे देखो वर्ड है मीडियम, मीडियम का प्लूरल मीडिया, और मीडियम्स भी होता है, दो अलग अलग प्लूरल होते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे जीनियस का जीनियाई और जीनियसेस दोनों के अलग अलग अर्थ है, ऐसे मीडियम का मीडिया अगर होता है तो ये पत्रकारिता के रूप में जो होता है, अखबार वगैरह जो आते हैं वो भी मीडिया का एक प्रकार है, टीवी वगैरह भी मीडिया का प्रकार है, तो मीडिया मतलब पत्रकारिता के अर्थ में ले लेते हैं, और मीडियम्स जो वर्ड है ये माध्यम में ले लेते हैं।
जैसे हमारे पढ़ाने का मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम कि हिंदी मीडियम, किस मीडियम से, किस माध्यम से पढ़ाया, तो उस सेंस में ये मीडियम्स होता है। और पत्रकारिता के रूप में मीडियम का अर्थ प्लूरल जो है वो मीडिया होगा। तो दो हैं, इनके एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। द इन अमेरिका एंड इंग्लैंड आर पावरफुल, अमेरिका में पावरफुल है, अमेरिका में इंग्लैंड में पावरफुल है, क्या मीडिया या मीडियम्स? वहां का जो मीडिया है ना वो बहुत ही पावरफुल है, सरकार को हिला डालता है। इंडिया में भी काफी मजबूत है, बट इंग्लैंड में और अमेरिका में हमसे भी ज्यादा वो स्पष्टवादी हैं और अच्छा लिखते हैं, और वो सरकार को अच्छा लगे बुरा लगे खिलाफ लिख देते हैं वो लोग। तो यहाँ पत्रकारिता की बात हो रही दोस्तों, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, मीडिया यूज करेंगे, मीडिया। द मीडिया इन अमेरिका एंड इंग्लैंड आर पावरफुल। आगे देखो आप, देर आर टू इन द स्कूल फॉर टीचिंग, हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाने के दो मीडियम हैं, टीचिंग के बाद फुल स्टॉप होगा, हमारे यहाँ दो मीडियम हैं, ठीक है ना, टू मीडियम्स हैं, तो टू मीडियम्स ये आ जाएगा, दो मीडियम्स हैं, दो माध्यम है पढ़ाने के, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाता है। बैक्टीरिया, अब बताओ बैक्टीरिया सिंगुलर है कि प्लूरल है? हमारे यहाँ एक कॉमन एरर करते हैं, बैक्टीरिया का प्लूरल हम लोग बैक्टीरियाज कर देते हैं, देर आर सो मैनी बैक्टीरियाज, गलत है, सुनने में अच्छा लग रहा हो भले ही बट वैसे गलत है। बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, इसका और प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया प्लूरल है तो इस लगाओगे आर लगाओगे, आर लगाओगे, बैक्टीरिया आर मोर एक्टिव इन फेवरेबल कंडीशंस, बैक्टीरिया बहुत एक्टिव होते हैं अपनी फेवरेबल कंडीशंस में। उसकी फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी हैं, कहां उनको अच्छा लगता है बैक्टीरिया, कहां वो ज्यादा पनपते हैं, अगर ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो, थोड़ा सीलन वीलन जहाँ होती है, पानी होता है वहां ज्यादा पनपते हैं, लो टेम्परेचर तापमान थोड़ा कम हो और सनलाइट थोड़ी रोशनी भी हो तो ये बहुत पनपते हैं बैक्टीरिया, उनके लिए एक अच्छी वो एक्टिव होने के फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। बट हमारा क्वेश्चन ये था कि बैक्टीरिया के साथ वर्ब सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं, अगर ये बैक्टीरियम होता, अगर ये बैक्टीरियम होता तो सिंगुलर होता, लेकिन बैक्टीरियम में यूएम को हटा करके ए लगा रखा है, इसका मतलब दोस्तों ये प्लूरल है। तो वर्ब भी कौन सी लगाएंगे इसके अंदर, हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे। आ रही बात आप लोगों को? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग